नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम टेगा इंडस्ट्री शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि टेगा इंडस्ट्री में आज लगभग 6% का गिरावट देखने को मिल रहा है, उसका रीजन क्या था एंड किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड कौन सा लेवल के आसपास हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले थोड़ा हम उसका फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल में दम है या नहीं है। देखिए, मार्केट कैप है अराउंड स्टॉक का 6500 करोड़ के आसपास है। रिजर्व कैश कितना है? 983 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड है 0.2%, जो कि बहुत ही लोअर साइड के ऊपर है। एंड स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 158, करंट प्राइस चल रहा है 990 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.26 एंड यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं 75%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि प्रोमोटर का फेथ है कंपनी के ऊपर, इसलिए तो ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं ना। ROC है 21.3%, ROE है 20.6%। अगर लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखेंगे 100%, जो कि लास्ट वन ईयर में ही स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है एंड अभी लास्ट वन ईयर में ही स्टॉक ने लिस्ट हुआ है। तो ओवरऑल लिस्ट होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस अभी हमको देखने को मिल रहा है। डेप्ट इक्विटी 0.3%, जो कि मैनेजेबल है। अभी हम चलते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, किस टाइप का रिजल्ट अभी हमको शो कर रहा है। देखिए, मार्च 21 में इसका सेल्स था 249 करोड़ का एंड अभी सेल्स है 396, लगभग 400 करोड़ का। सेल्स में लगातार हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, मार्च 21 में था 41 करोड़ का, अभी लगभग डबल हो गया है 77 करोड़ का। प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एंड कैश फ्लो जो इसका है पॉजिटिव है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं 75%, जो कि पॉजिटिव साइन है। FI के पास यहाँ पे 2.5% एंड FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 16.64% एंड DI यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 5.287, जो कि लोअर साइड के ऊपर, एंड पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखिए धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। रिटेल रिड्यूस कर रहे हैं एंड लोअर साइड में क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, FIDI इंक्रीज कर रहे हैं एंड प्रोमोटर के पास हायर शेयर होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग में सारा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि रीजन क्या था आज करेक्शन का। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है टेगा इंडस्ट्री का। टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ डेली। देखिए, आज टेगा इंडस्ट्री में यहाँ पे नियरली 6% का डाउन देखने को मिल रहा है, देखिए, जो कि एक नॉर्मल करेक्शन है। ऐसा कुछ न्यूज अभी मार्केट में नहीं है इस स्टॉक को लेकर, जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता था। बस ये नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि देखिए, प्राइस हमेशा एक बार अपमूव देने के बाद प्राइस वाइज नहीं तो टाइम वाइज ऐसे कंसोलिडेशन करता है। प्राइस कभी भी ना डायरेक्ट ऐसे जाकर 1000% रिटर्न नहीं देता है, हमेशा अपमूव करेगा, पुल बैक करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर से अपमूव करेगा। नॉर्मल करेक्शन एक ट्रेंड के लिए हेल्दी होता है। जब भी स्टॉक का प्राइस एक बड़ा ट्रेंड में एस्टेब्लिश कर रहा होगा ना, हमेशा से जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइम या प्राइस वाइज करना बेस्ट रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर जाना होगा। नहीं तो अगर पैराबोलिक मूव कर देगा तो पैराबोलिक मूव कहीं ना कहीं बस्ट हो जाएगा, उसके बाद शार्प 80-90% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी जो यहाँ पे टेगा इंडस्ट्री में करेक्शन देखने को मिला है वो है नॉर्मल। अभी क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमारा पास है तो क्या करना है? अगर आपके पास है, नो डाउट होल्ड करना है। अगर आप पार्सल प्रॉफिट बुक करना चाह रहे, पार्सल प्रॉफिट बुक करके होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं? फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश एंट्री करने के लिए हमको एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन चाहिए। देखिए, स्टॉक के लिए जो प्रीवियस यहाँ पे लाइफ हाई था ना 765 के आसपास, ये था यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस। प्राइस जैसे इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, अभी के लिए वो बन गया है मेजर सपोर्ट। अगर आने वाले टाइम में प्राइस ये जो हाई बना था मेजर सपोर्ट 765, ये जोन तो बेस्ट जोन है। उसके साथ देखिए यहाँ पे कि मोमेंटम लाइन जा रहा है, इस ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आया है ना, प्राइस को देखिए मल्टीपल टाइम हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है एंड देखिए प्राइस यहाँ पे ये जो मोमेंटम लाइन को यहाँ पे टेस्ट करने के बाद एक स्ट्रांग अप मूव दिया था। अभी के लिए प्राइस जब भी ना
ये मोमेंटम लाइन के आसपास आएगा, आपको एंट्री करना है। लेबल क्या हो सकता है, ऑब्वियसली बोलना मिस्क्यूले, लेकिन आप मान कर चल सकते हैं ये लेबल बन सकता है 765 से 850 के बीच में, क्योंकि प्राइस कब इस ट्रेलाइन के आसपास आएगा वो पता नहीं है। मानिए प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट 3 डे पे आ जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा 70-70 का। मानिए प्राइस यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद आएगा तो ये सपोर्ट थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 830-840 की तरफ। इसीलिए आप एक बार आपके चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जब भी प्राइस इसी जोन में आएगा आपको एंट्री करना है। एंड ये जोन है सबसे लो रिस्क जोन फॉर एनी स्टॉक, किसी भी स्टॉक अगर उसका मोमेंटम लाइन के आसपास आता है वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा क्योंकि अभी कुछ सेटअप नहीं है। अगर फ्रेश एंट्री करना भी है ना तो आपको एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, कुछ भी फ्लैग पैटर्न जैसा। अगर फ्लैग पैटर्न बनेगा डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी बुलिश पैटर्न बनेगा, नहीं तो एक बार मॉनिटर का सपोर्ट को वेट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।